ఫోగట్ సాధించిన ఈ ఘనతపై ఆమె తండ్రి మాట్లాడారు. ఈ విజయం బ్రిజ్ భూషణ్ కి చెంపపెట్టు లాంటిది అన్నారు వినేష్. నా కూతురిని తొక్కేయాలని బ్రిజ్ భూషణ్ చూసాడు. ఈసారి నా కూతురు ఖచ్చితంగా గోల్డ్ మెడల్ గెలుస్తుంది అంటున్నారు వినేష్ తండ్రి. 2016 నుంచి తన కూతుళ్ళు పోటీ పడుతున్నారు అని చెప్పారు మహావీర్ ఫోగట్. ఈసారి పతకం తీసుకొస్తూ ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. महावीर सिंग फोगट दंगल सिनेमा को आयना इंस्पिरेशन ओक लेजेंड आनी मुत्याल लांटी क्रीडाकारुलकु जन्मनिच्चारु. तन आरुगुरु कूतुर्लनु कूडा रेजिडर्लुगा तीर्चिदिद्दाडु महावीर सिंग. गीता फोगट बबिता फोगट एन्नो पतकालु साधिंचारु कानी ओलंपिक मेडल मात्रं पेंडिंग लो उंडिपोयिंदि. मिगिलिन कूतुर्लु साधिंचलेनि ई फिट नु विनेश फोगट इप्पुडु नेरवेर्चबोतोंदि. अदे समयंलो एडादिगा विनेश कि एदुरैन अवमानालपै मात्लाडिन महावीर फोगट रेजलिंग समाख्य माजी चीफ బ్రిజ్ భూషణ్ की ఇది చెంప పగలగొట్టే విషయం అంటూ కామెంట్ చేశారు. देखिए आज मुझे बड़ी खुशी है जो कई साल से जो मैं जो सपने देख रहा था ओलंपिक जो मैंने स्टार्टिंग की थी यूं स्टार्टिंग भी मेरी बेटी जो है ओलंपिक गोल्ड में जाएंगी और आज वो मेरा सपना नज़दीक है मेडल की और मेरे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेके आएगी. और जो 2016 और जो 20 में नहीं क्रश की जो हिंदुस्तान को उसकी गोल्ड मेडल की आज थी उसको जो है आप जो है वो गोल्ड मेडल लेकर वो आज से उम्मीद है ऊपर खड़ी उतरेगी. ब्रिज भूषण ने जो फेडरेशन काफ़ी जो है इनको जो है रोकने की कोशिश की. ब्रिज भूषण के कारण तो जो है जो बजरंग है जो धरना प्रदर्शन रहा है तो वो कवर नहीं कर सका ने तो वो भी गोल्ड मेडल की वो पूरी तैयारी कर रहा था तो ये ब्रिज भूषण मुँह पर तमाशा है.